आज आज सेठ जी सेठ जी सेठ जी सेठ जी जल्दी से खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। क्यों क्या हुआ? और मेरे साथ डांस कीजिए। ए भाई क्या हुआ, क्यों डांस कर रहा है तू? सेठ जी मैं आपके लिए बहुत बढ़िया खुशखबर लेके आया हूँ। क्या? दुकान में बावरी जी आई है। चुप चुप, सीधा खड़ा रह, सीधा खड़ा रह। एक तो मैं यहाँ टप्पू के एडमिशन को लेकर टेंशन में हूँ और तुझे मजाक सुन रहे। दुकान में बावरी जी आई, इसने डांस कीजिए। तू कर डांस? नहीं तू भी नहीं करेगा डांस। उसको कितनी बार मना किया है दुकान में नहीं आने का, फिर भी बार बार क्यों आ जाती है वो? सेठ जी आप पूरी बात तो सुनिए, बावरी जी टप्पू सेठ जी का एडमिशन एमके गांधी कॉलेज में करवा सकती हैं। क्या? फिर से बोल, फिर से बोल। बावरी जी टप्पू सेठ जी का एडमिशन एमके गांधी कॉलेज में करवा सकती हैं। अरे तो पगले पहले क्यों नहीं बताया, कहाँ है बावरी जी? दुकान में है? अरे तो बोला नहीं तो चल चल चल, नाश्ते नाश्ते जाते हैं, चल। आइए आइए सेठ जी आइए। बावरी जी बावरी जी मुझे बगन बताए, हम टप्पू का एडमिशन एमके गांधी कॉलेज में करवा सकते हैं? हाँ, एमके गांधी कॉलेज तो मेरे ताऊ जी का ही है। ताऊ जी की कॉलेज है? ताऊ जी की कॉलेज है। बताओ कितनी छोटी दुनिया है, कोई सोच भी सकता था है कि एमके गांधी कॉलेज हमारे बावरी जी का ताऊ जी की कॉलेज है? बोलो। देखा सेठ जी, कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। कभी कभी बहुत बड़े दरवाजे सिर्फ एक बेल बजाने से खुल जाते हैं। बका? इस मुहावरे में बेल कौन, दरवाजा कौन और बेल दबाने वाला कौन? नट्टू काका, दरवाजा कॉलेज है, बेल कॉलेज के प्रिंसिपल है और बेल दबाने वाली बावरी जी हैं। ओहो, कवि श्री बागेश्वर जी उवाच। कैसे बावरी जी, आप पक्का टप्पू का एडमिशन एमके गांधी कॉलेज में करवा देंगे ना? हाँ हाँ, ये तो घर का ही कॉलेज है। बताओ, ये तो वही बात हो गई, कांक में छोकरों ने गाम में गोता गोत। बोलो, मैं कब से कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कुछ हुआ नहीं, और आपने यूँ चुटकी बजाते ही मेरे सर से एडमिशन का बोझ उतार दिया। बोलो। अरे भागा, तू खड़ा क्या है? बावरी जी के लिए कुछ चाय पानी, ठंडा फलूदा, मैंगो मिल से कुछ लेके क्या क्या पियेंगे आप? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। कुछ तो लीजिए थोड़ा सा। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं बावरी जी, बावरी जी प्लीज आप मुझे माफ कर देना, मैं आपको आज तक डांटता रहा फिर भी आप मेरी मदद कर रहे हैं। नहीं सच में बावरी जी मतलब कितनी महान व्यक्ति है, है? बहुत बहुत। वो क्या है ना, मैं आपकी कोई बात सीरियसली लेती ही नहीं हूँ, तो बुरा मानने का तो सवाल ही नहीं है। वाह वाह बावरी जी वाह, बागा देखा, बावरी जी का ये गुण सीखने जैसा है। बिल्कुल बिल्कुल सेठ जी, मैं तो रोज रोज बावरी जी से नए नए गुण सीखते ही रहता हूँ। वाह वाह, तो बावरी जी मैं क्या कहता हूँ, कल हम लोग जाके एमके गांधी कॉलेज में सीधी फी भर देते हैं टप्पू की। हाँ, अगर ट्रेन की टिकट मिल जाए तो जाकर फीस भर सकते हैं। ट्रेन में क्यों जाना है, हम रिक्शा में ही चले जाएंगे ना? हाँ बावरी जी, अगर रिक्शा में जाएंगे तो एक महीने बाद पहुँचेंगे कानपुर। कानपुर? कानपुर क्यों जाना है हमें? ताऊ जी का कॉलेज कानपुर में है तो फीस भरने कानपुर जाना पड़ेगा। ताऊ जी की कॉलेज कानपुर में है? हाँ, ताऊ जी वहीं रहते हैं तो कॉलेज भी तो वहीं होगा। पागल आशिक, ये कॉलेज कानपुर में है, मेरा बेटा टप्पू रोज क्या मुंबई से कानपुर अप डाउन करेगा? सॉरी सेठ जी, मुझे भी पता नहीं था कि कॉलेज कानपुर में है। अरे तब माधुरी बनने से पहले जान लेना चाहिए था ना कि तेरी माहिती अधूरी है। सेठ जी, गांधी जी के नाम से हर एक शहर में कॉलेज होती है, इसलिए शायद बावरी जी से गलती हो गई। वैसे
कानपुर में प्रॉब्लम क्या है? कानपुर तो बहुत अच्छा शहर है और वहाँ खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो भाई इसको ले जा यहाँ से। मतलब आज मेरी छुट्टी? थैंक यू बेटा लाल जी। अरे पेट, गलती से मिस्टेक हो गई। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तू प्लीज यहाँ से जा, प्लीज प्लीज चली जा यहाँ से, प्लीज। ओके बाय बाय बागेश्वर जी। सेठ जी प्लीज कम डाउन। कभी कभी ऐसी गलतफहमी हो जाती है। कभी कभी? अरे मेरे साथ तो रोज गलतफहमियां होती है नटू काका। अच्छा भला सबको फोन कर रहा था एडमिशन के लिए, ये बावरी के चक्कर में वो सब छोड़ के यहाँ दुकान में आ गया। आप दोनों मेहरबानी करके ये एडमिशन की कोशिश करना बंद कीजिए और दुकान के काम में ध्यान दीजिए। एडमिशन की कोशिश मैं करूंगा, सिर्फ मुझे करने दीजिए। ओके जी सेठ जी। दिमाग का तय कर दिया, कानपुर के कॉलेज में एडमिशन दिला रही है बेवकूफ लड़की, पूरी लिंक तोड़ दी। से फोन करूं अभी? पोपटलाल को फोन करूं? पत्रकार होने का नाते उसकी जान पहचान होगी। जेठालाल? हाँ बोलो बोलो जेठालाल। हाँ पोपटलाल, एक बहुत जरूरी बात करनी है जरा तुमसे। भाई मेरी हाँ है, लड़की देखने की भी जरूरत नहीं है, मैं शादी कर लूंगा। नहीं नहीं, ये शादी की बात नहीं है, टप्पू के एडमिशन की बात है। तुमको तो खबर मिली होगी, वो टप्पू का एडमिशन एमके गांधी कॉलेज में नहीं हुआ है। वो सुनकर बहुत दुख हुआ। हाँ टप्पू को भी बेचारे को बहुत दुख हुआ है। तो मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कैसे भी करके उसका एडमिशन हो जाए वो कॉलेज में, लेकिन क्या कुछ हो नहीं रहा है। तो मैं ये सोच रहा था कि तुम्हारी कोई जान पहचान होगी जिनके जरिए अपन ये एडमिशन का कुछ कर सके। जान पहचान? एक गोवर्धन भाई है, उनके जरिए शायद एडमिशन हो सकता है। अच्छा तुम एक काम करो, मैं तुम्हें उनका नंबर मैसेज करता हूँ, तुम उनसे बात कर लो। नहीं नहीं पोपटलाल, मैसेज छोड़ो, मेरे पास पेन पेपर सब तैयार है, जरा मुझे लिखवाई दो ना प्लीज। हाँ लिखो लिखो। गोवर्धन भाई ना? हाँ हाँ गोवर्धन भाई। गोवर्धन भाई, हाँ बोलो नंबर। एक मिनट। हाँ गोवर्धन, गोवर्धन लिखो। 982 982 1 1। ठीक है, थैंक यू पोपटलाल, थैंक यू। तुम उनको मेरा नाम देकर बात करना, तुम्हारा काम हो जाएगा। जरूर जरूर। वैसे ये कौन है, कौन गोवर्धन भाई? भाई बहुत बड़ी हस्ती है, मैंने कुछ दिनों पहले कलर फोटो के साथ उनका इंटरव्यू तूफान एक्सप्रेस में छापा था, बहुत खुश हुए, तब से मेरी अच्छी जान पहचान है। अरे वाह वाह, ठीक है थैंक यू। तो मैं अभी उनको फोन करता हूँ और फिर तुमको भी फोन करता हूँ, क्या बात हुई बताता हूँ, ठीक है। हेलो। हाँ हेलो गोवर्धन भाई। आप कौन? नमस्ते गोवर्धन भाई। नमस्ते, मैं जेठालाल गड़ा बोल रहा हूँ। कौन जेठालाल गड़ा? ओ पोपटलाल जी का दोस्त। कौन पोपटलाल? पोपटलाल को नहीं जानते, पत्रकार पोपटलाल। अरे भाई कौन पत्रकार पोपटलाल? आप पत्रकार पोपटलाल को नहीं जानते? नहीं। अरे कमाल है, उन्होंने मुझे बोला कि आप उनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए क्या वो मेरे बेटे का एडमिशन जरा कराना है एमके गांधी कॉलेज में, इसलिए उन्होंने मुझे आपका नंबर दिया। ये सब छोड़ो, ये बताओ कि पत्रकार पोपटलाल है कौन? ये पोपटलाल भी गजब है, लगता है रॉन्ग नंबर दे दिया है। अरे बोलिए ना, ये पोपटलाल है कौन? वो पत्रकार है तूफान एक्सप्रेस में और हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में ही रहते है, और अभी तक कुंवर है, सैकड़ों लड़कियां देखने के बावजूद भी उन्होंने मुझे आपका नंबर दिया एडमिशन के लिए, लगता है वो गलती से रॉन्ग नंबर दे दिया है शायद, सॉरी। नहीं 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 नहीं, तुम्हें सही नंबर दिया है, मैं कुंवारे पत्रकार पोपटलाल को अच्छी तरह से जानता हूँ। तो फिर आपने पहले मुझे मना क्यों किया? क्या है कि एडमिशन का सीजन चल रहा है ना, लोग जान पहचान निकाल कर फोन करते रहते हैं, मुझे चेक करना पड़ता है ना कि आप सच में उनके दोस्त हैं कि नहीं। ओ अच्छा अच्छा, हाँ नहीं बराबर है बराबर है, तो मेरे बेटे का एडमिशन हो जाएगा ना? आप एक मिनट होल्ड कीजिए। हेलो। हेलो पोपटलाल। अरे गोवर्धन भाई कैसे हैं आप? मैं बस अभी आपको ही फोन करने वाला था। अरे फोन नहीं,
ये कहिए कि मिस कॉल करने वाले थे। हाँ पोपटलाल, किसी जेठालाल का फोन आया है। वो कह रहे हैं कि आपके दोस्त हैं। हाँ वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं भाई, आप प्लीज उनका काम कर दीजिएगा। हाँ हाँ मैं कोशिश करूंगा। मैंने ये जानने के लिए फोन किया था कि वो आपके दोस्त हैं कि नहीं। अच्छा मैं फोन रखता हूँ। हाँ मैं भी थोड़ा ऑफिस के काम में बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। थैंक यू। हेलो। हाँ जी मैं यही हूँ, बोलिए बोलिए बोलिए। देखिए मुझे एक मीटिंग में जाना है। मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं आके आपको दोबारा फोन करता हूँ। ये आप ही का नंबर है ना? जी जी जी, आप बोलो तो मैं आपसे मिलने आ जाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको फोन कर दूंगा। मैं क्या कहता हूँ, आप मुझे फोन करने की तकलीफ क्यों ले रहे हैं? आप बोलो तो मैं, आप जो टाइम बोलेंगे वो टाइम पे मैं आपको फोन करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अरे मैं ही आपको फोन कर दूंगा। लेकिन जरा गोवर्धन भाई देखना कैसे भी करके एडमिशन जरा हो जाए। हाँ बेटे का प्लीज जरा। अरे आप फोन रखोगे नहीं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी। ओके थैंक यू, थैंक यू। ओके। वाह वाह वाह, पोपटलाल का तीर तो निशाने पर लग गया। चलो उसको भी एक थैंक यू का फोन कर देता हूँ। हाँ जेठालाल, हो गई बात? अरे हो गई पोपटलाल, हो गई बात, हो गई भाई, थैंक यू। गोवर्धन भाई ने बोला है कि वो पूरी कोशिश करेंगे, उनकी बातों से लग रहा था कि अपना काम हो जाएगा भाई। थैंक यू पोपटलाल, थैंक यू भाई। इसमें थैंक यू क्या कहना, मैं इतनी बार तुम्हारे घर पर आकर ढोकले खा जाता हूँ। मैं अभी इतने सालों से मेरे लिए तुम्हारी भाभी ढूंढ रही है, हम सब एक परिवार की तरह है। थैंक यू क्या कहना इसमें। ओह बहुत बड़ी बात कह दी पोपटलाल तुमने, थैंक यू। अरे देखो फिर से थैंक यू बोल गया मैं। चलो चलो शाम को 16:30 पे मिलते हैं। हाँ पक्का पक्का। ओके बाय। ओके थैंक यू। अरे थैंक यू। शेट्टी क्या हुआ, टप्पू शेट का एडमिशन हो गया है? नहीं हुआ तो नहीं है, लेकिन एक जगह बात की है, हो जाएगा। आप लोग ये बताओ दुकान में धंधा हुआ कि नहीं? दो टीवी और एक फ्रिज बिक गए। मैं गोवर्धन बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए बोलिए गोवर्धन भाई। देखिए जो बात मैं अभी आपसे कहने जा रहा हूँ वो किसी से कहना मत। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बोलिए बोलिए। देखिए मैंने कॉलेज के मैनेजमेंट के अंदर के लोगों से बातचीत कर ली है, आपके बेटे का 99% एडमिशन हो जाएगा, 1% के लिए बोल नहीं सकता। नहीं नहीं ऐसा मत बोलिए, देखिए मेरे बेटे का एडमिशन सिर्फ 1 मार्क की वजह से रह गया था। देखिए आप चिंता मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा, बस आप रात को 9 बजे मेरे घर पर मुझे मिलने आ जाइएगा, मैं आपको एड्रेस SMS करता हूँ। थैंक यू गोवर्धन भाई। और सुनिए सुनिए, आते वक्त अपने बेटे की मार्कशीट और जो भी सर्टिफिकेट्स हो वो लेते आइएगा। जरूर जरूर, सब सब लेके आऊंगा। थैंक यू गोवर्धन भाई, थैंक यू। क्या हुआ सिद्ध जी? देखो ये बात किसी से कहना नहीं, लेकिन लगता है पहचान काम आ गई, टप्पू का एडमिशन हो जाएगा। अरे वाह सेठ जी वाह, ये तो बहुत बड़ी खुशखबर है, सेलिब्रेशन होना चाहिए। सीधा खड़ा रहे उत्साही, अभी एडमिशन हुआ नहीं है, हो जाएगा। आज रात को अभी सिर्फ वो गोवर्धन भाई को मिलने जाना है। सेठ जी ये गोवर्धन भाई कौन है? अरे बहुत बड़े आदमी है, उसे इतने बड़े आदमी को खाली हाथ मिलने जाना अच्छा नहीं लगेगा। बगा काम कर, तू मुझे एक लेटेस्ट महंगा वाला मोबाइल मुझे पैक करके दे, उनको गिफ्ट दे दूंगा, अच्छा लगेगा नहीं? जी सेठ जी। अरे वाह सेठ जी, आज तो आपके घर उत्सव होगा। सेठ जी घर आनंद भयो, जय गोवर्धन लाल की। सेठ जी घर आनंद भयो, जय गोवर्धन लाल की। टप्पू ये खुश खबर सुनेगा तो खुशी के मारे उसका चेहरा खिल उठेगा, और दया सुनेगी तो वो तो सीधे गरबाई करने लगेगी। टप्पू का एडमिशन होगा, टप्पू का एडमिशन नहीं होगा, टप्पू का एडमिशन होगा, टप्पू का एडमिशन नहीं होगा, टप्पू का एडमिशन होगा, टप्पू का एडमिशन नहीं होगा, टप्पू का एडमिशन होगा, टप्पू का एडमिशन नहीं होगा। अरे दया ये खेल खेलना बंद कर और निश्चिंत हो जा। क्यों, टप्पू का एडमिशन हो गया? नहीं हो नहीं गया, लेकिन हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। सच टप्पू के पापा? अरे सच मतलब तुझे क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, देखो मैं कर रहा हूँ। अरे सच सच सो आना सच। तू एक काम कर, तू अभी फटाफट खाना लगा और मुझे एक जोड़े कपड़ा दे नया फर्स्ट क्लास, और टप्पू के जो सर्टिफिकेट और जो रिजल्ट है वो मुझे दे। क्यों अभी कहाँ जाना है? अरे वो टप्पू के एडमिशन के लिए गोवर्धन भाई करके उनको मिलने जाना है। कौन गोवर्धन भाई? हाँ बापू जी, बापू जी। बापू जी गोवर्धन भाई बहुत काम के आदमी है, अपना पोपट ला लेना, उसने पहचान करवाई तो टप्पू का एडमिशन वही करा के देने वाले। दुकान से उनके लिए ये मैं लेटेस्ट मोबाइल भी लेके आया गिफ्ट देने के लिए, और भी कोई व्यवहार होगा ऊपर से तो वो भी कर दूंगा। क्या इतना कमर है आखिर किसके लिए?
गोवर्धन भाई के लिए। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है बाबूजी, मेरे कहने का मतलब यह है कि हम इतना कमा रहे हैं तो बच्चों की खुशी के लिए ही ना, बराबर कि नहीं? नहीं है? अरे क्या है, यानी अब तू लगभग लगा के एडमिशन लेगा, एडमिशन के बदले में मोबाइल देगा और वेवर भी करेगा। बापू जी वो कहते हैं ना, सीधी उंगली से घी ना निकले, तो उंगली थोड़ी टेढ़ी करनी ही पड़ती है। अरे तेरा दिमाग टेढ़ा हो गया है, चीटिंग करके टप्पू का एडमिशन करवाएगा, मोबाइल गिफ्ट करेगा, पहचान लगा कर काम करवाएगा। बापू जी आजकल सब काम ऐसे ही होते है, बिना पहचान के कोई काम होता ही नहीं है। अरे रेलवे की टिकट तक नहीं मिलती, अच्छे अस्पताल में अगर इलाज करवाना है तो भी पहचान चाहिए। आज के जमाने में सब ऐसा ही चल रहा है बापूजी। खाना लगा तू, जल्दी खाना लगा। ए भाई ए, आज के जमाने में तो चोरी और लूटपाट भी बहुत होती है, तो क्या वो भी करेगा? बापूजी लूटपाट नहीं, लेकिन टप्पू की खुशी के लिए। ए टप्पू की खुशी वाली, अगर दिमाग है तो उसका इस्तेमाल कर और जरा सोच, तेरे ये सब करने से टप्पू पर क्या असर पड़ेगा? वो तो यही सोचने लगेगा ना कि पैसे खिलाने से सब काम हो जाते, फिर उसका स्वभाव भी बिगड़ जाएगा। आज हमारा टप्पू परोपकार में कितना मानता है, किसी को रोते हुए देखकर उसे दुख होता है, आगे जाके ये सब खत्म हो जाएगा। उसे शिक्षा दिलाने के लिए उसके संस्कार बिगड़ने चला है तू। ये तो गलत है, मतलब बापूजी जैसा सोच रहे हैं वैसा हमने तो सोचा ही नहीं। तो दया मुझे भी ये सब पसंद नहीं है, लेकिन मैं जो कुछ कर रहा हूँ टप्पू की खुशी के लिए कर रहा हूँ। एक बाप होने के नाते मेरा भी कोई फर्ज है कि नहीं? मैं टप्पू को दुखी नहीं देख सकता। अरे जरा सोच, हर बाप अगर तेरी तरह सोचने लगे, लगभग लगाकर एडमिशन लेने लगे तो क्या होगा? जो विद्यार्थी मेहनत कर कर दिन रात पढ़ाई कर कर अच्छे नंबरों से पास होते हैं उन्हें एडमिशन नहीं मिलेगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि सिर्फ पैसे वालों के बच्चों को ही एडमिशन मिलेगा, गरीबों के बच्चों को तो एडमिशन मिलेगा ही नहीं। बापू जी आपकी बात बराबर है, लेकिन मेरी जगह आप होते तो आप भी यही करते हैं ना? नहीं मैं ऐसा कभी नहीं करता, क्योंकि मैं बाप बाद में हूँ, पहले एक इंसान हूँ और इंसानियत का धर्म सबसे पहला धर्म होता है, समझा? देख जेठिया, हम अपने फायदे के लिए समाज को गंदा नहीं कर सकते। बापूजी आपके सिद्धांत बराबर है, लेकिन हमारे अकेले के बदलने से कुछ नहीं होगा। आजकल हर कोई पैसे और पहचान से ही अपना काम करवाता है, अगर हम एडमिशन नहीं लेंगे तो कोई और ले लेगा। अरे सब लोग क्या कर रहे हैं वो छोड़, तू क्या कर रहा है वो देख। बापूजी मैं सिर्फ टप्पू को दिया हुआ वादा पूरा कर रहा हूँ कि मैं उसको एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन दिलवा कर रहूंगा। देख जटिया, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि हम सुधरेंगे तो बाकी सब सुधरेंगे, वैसे है मेरे विचार, बाकी तुझे जो करना है तू कर, तेरी मर्जी। अरे बाप रे बाप, ये मैं क्या देख रहा हूँ भाई, जेठालाल ने बमुश्किल एक पहचान निकाली थी टप्पू के एडमिशन के लिए और चाचा जी अपने सिद्धांत को लेकर अड़ गए। वैसे चाचा जी की बात भी बिल्कुल सही है, हम लोग पैसे से पहचान की वजह से अपना काम करा लेते हैं तो वो लोग जो लायक होते हैं हकदार होते हैं वो रह जाते हैं। भाई अगर समाज को सुधारना है तो हमें स्वयं सुधरना होगा, लेकिन मजबूर पिता जेठालाल की बात भी कभी कभी ठीक लगती है कि आज के जमाने में पैसे और पहचान के बिना कोई काम होता ही नहीं। भगवान के दर्शन भी नजदीक से करने हो तो पहचान चाहिए, सिफारिश चाहिए या फिर पैसा चाहिए। अब देखना यह है कि क्या करते हैं जेठालाल। एक पिता अपने पुत्र को सारे सुख देना चाहता है भले रास्ते अब कोई भी हो, लेकिन इस वक्त जेठालाल बड़ी कश्मकश में, एक तरफ टप्पू का एडमिशन कराना है और दूसरी तरफ चाचा जी के सिद्धांत। अब क्या करेगा जेठालाल, कैसे कराएगा टप्पू का एडमिशन, क्या टप्पू का किसी कॉलेज में एडमिशन होगा? अब ये तमाम चीजें हैं जो हम जानेंगे, लेकिन उसके पहले एक विशेष बात। आज रात ठीक 10:30 बजे आपके प्रिय चैनल सब पर एक नया कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है, किशन कन्हैया, देखना मत भूलिएगा। और कल रात 8:30 बजे ये देखना कि जेठालाल किस तरह से टप्पू का एडमिशन कराते हैं। देखते रहिए, हंसते रहिए, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल।
Click the show links and enjoy watching the videos.